जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आयुर्वेद ब्यूटी विद्या में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलर्ड काजल्स। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लू हेवन का ब्लू कलर का काजल। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट कोई भी कलरफुल काजल लेने के लिए जाते हैं और किसी भी ब्रांड में जाते हैं तो मोस्टली वो काफी कॉस्टली होते हैं, 300 350 या फिर 600। अच्छा लो तो 600 तो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 120 विदाउट सेल, और यदि आप सेल में मिल जाता है, आपको ऑनलाइन सेल निकलती रहती है, तो ये आपको अंडर 100 पड़ जाएगा। ये सॉफ्ट काजल है, आईलाइनर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये विथ शार्पनर लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंस कलर है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो इस तरह का ये स्टिक आया है, ये है इसका शेयर। आप देख सकते हैं ब्रश नहीं है, ये शार्पनर लिखा हुआ है। और इसमें जो काजल की क्वांटिटी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। टीम में आपको काजल मिल रहा है यहाँ पे। एंड कलर इसका कैसा रहेगा आप कह सकते हैं, कलर इसका आई थिंक अच्छा ही है कलर काफी। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं आंखों पर। एंड वाटरप्रूफ चेक करने के लिए अभी मैंने इसको किया है। कोई भी वाटरप्रूफ काजल है तो उसको आधा मिनट तो आपको देना होता है, फिर इसका टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये सच में वाटरप्रूफ है। फिलहाल मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। अभी तो फिलहाल काफी सही लग रहा है, और यदि मोटा गहरा लगाना है तो शायद मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ये काफी स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसको लगाने में। इस पर तो आपने देख लिया, आप चलिए इसे आईलाइनर की तरह भी यूज करके देखते हैं। काफी अच्छा कलर है। आप इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं कि स्मच प्रूफ है या नहीं है। एक मिनट हो गया है, स्मच प्रूफ है ये, बहुत ज्यादा स्मच नहीं हो रहा है, बहुत हल्का फुल्का। यदि आप इसको काफी टाइट हाथ से इस तरह से स्मच करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक हल्का फुल्का हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। चलिए इसको डार्क आईलाइनर की तरह लगा के दिखाया, बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से हो गया ये। एंड इसको मैं आई शेडो की तरह भी अप्लाई करके देखती हूँ, यदि आपको ब्लू स्मोकी आई चाहिए तो। तो ये काफी स्मच प्रूफ है, आपको इमीडिएटली इसको एज आई शैडो यूज करना होगा। कुछ यदि आधा मिनट आपने छोड़ दिया तो ये इजीली एज आई शैडो नहीं लग पाएगा, बट इमीडिएटली करेंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। चलिए मैं अपनी दूसरी आंख पर भी इसी तरह से लगा लेती हूँ एक बार। तो गाइस यदि हम इसको ब्रश से करेंगे तो वो काफी सही हो जाएगा। ये स्मोकी आईज के लिए हम यूज करेंगे हल्का सा ऑरेंज टैप किया मैंने, इसे हल्का सा इसको ऊपर में क्रीज लाइन पे लगाऊंगी, प्रॉपर स्मोकी आई का लुक आए।
काफी इंटेंस और काफी खूबसूरत है। मैंने इधर पहले थोड़ा काजल लंबा लगा लिया था। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने ब्लू काजल से ही बस हल्का सा ऑरेंज शेड इसमें मिक्स कर दिया जिससे ये इवन दिखे, अदरवाइज आई मेकअप भी काफी ठीक ठाक हो गया इससे और बहुत ही इंस्टेंट हुआ है। यदि आप पार्टीज में हैं तो आप इस पर कुछ शिमर भी ऐड कर सकते हैं। मेरा आई मेकअप काफी क्विक एंड फास्ट हो गया है इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा। बस वाटर प्रूफ टेस्ट करना एंड रह गया है, स्मच प्रूफ तो है क्योंकि मैंने जब इसको एज अ आई मेकअप यूज किया तो इमीडिएटली यदि स्मच करा तो अच्छा था। एंड इसके साथ जो शार्पनर है, यदि इसका पॉइंट आपका खराब हो भी रहा है काजल लगाने का तो आप इससे शार्प कर सकते हैं, प्रॉपर है तो आप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें इस तरह से कट दे रखा है, ये शार्पनर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो बस लास्ट इसका हम वाटर टेस्ट कर रहे हैं क्या ये वाटर प्रूफ है। काफी वाटर प्रूफ है, यदि आप इमीडिएटली स्मच करेंगे तो हो जाएगा ये स्मच, अदरवाइज ये एज इट इज रहने वाला है। बहुत ही क्यूट है और बहुत इंटेंस कलर है, वाटर प्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है और ओनली 100 या फिर 120 में ही आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी डील है एंड आपको इसमें बहुत सारे कलर्स भी मिलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ब्लू हेवन का ये काजल और ये रिव्यू यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुत सारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब दें।